सो हे गाइस, तो आज के वीडियो में लोग सीखने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड ए मैक्सिमम मिनिमम ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके, सो चलिए वेंडर का वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि कैसे हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड कर सकते हैं। तो आपके साथ एक इक्वेशन की बात है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 5। आपको k का ऐसा वैल्यू फाइंड करना है जिससे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करते हैं मिनिमम फाइंड करने के लिए, आपको क्या करना होता है, जो टर्म दिया होता है उसको डिफ्रेंशिएट करना होता है, ठीक है। तो के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 5 को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो ये कुछ इस तरीके से हमको वैल्यू की वैल्यू प्राप्त हो जाएगा 2k माइनस 3, ठीक है दोस्तों। आप उनको क्या करना होता है मिनिमम प्राप्त करते वक्त कि आपको क्या करना है, 2k जो फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन होता है उसको आपको 0 के इक्वल पुट कर देना होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी 3/2। ओके, तो आपको दोबारा क्या करना होता है, आपको दोबारा डिफ्रेंशिएट करना होता है, ठीक है। तो ये गिवन इक्वेशन इधर हमको प्राप्त हो गया, इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब कि कुछ ऐसा हो जाएगा d स्क्वायर 2k माइनस 3 अपॉन dk स्क्वायर, स्क्वायर मतलब दो बार, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव 2 आ जाएगा और इधर ये हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव 2 ही आएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि k की वैल्यू 3/2 लेने पर जो d2/dk की वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव 2 आ रही है, ठीक है, पॉजिटिव आ रही है। तो एक कंडीशन ये है कि जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन है उसके उसको करने के बाद जो उसकी वैल्यू आती है, जैसे के की वैल्यू यहाँ पर आई है 3/2, और जो सेकंड डिफरेंशिएशन करने के बाद, तो अगर ये जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन करने के बाद जो वैल्यू आई है इसको पुट करने पे अगर पॉजिटिव आता है सेकंड डिफरेंशिएशन की वैल्यू, तो वो होता है मिनिमा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो मिनिमा होगा वो 3/2 होगा, 3/2 पे रखने, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो पसंद लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।